जो कपल्स शादी के बाद अभी बेबी नहीं चाहते हैं और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव भी नहीं यूज करना चाहते, यानी कोई गर्भनिरोधक भी यूज नहीं करना चाहते, तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि वो सेफ और अनसेफ डे की जानकारी सबसे पहले रखें। सेफ डे यानी वो दिन जिन दिनों में आप शारीरिक संबंध अगर बनाएंगे तो बेबी कंसीव नहीं होगा, यानी प्रेगनेंसी नहीं होगी, और अनसेफ डे वो होते हैं जिन दिनों में अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। इस पर ऑलरेडी हमने 2-3 वीडियो बना रखे हैं जिसमें बहुत अच्छे से हमने डिटेल में बताया है। अगर आप वो कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो फिर आगे की चिंताएं खत्म हो जाएंगी और आप बिना किसी गर्भनिरोधक के शारीरिक संबंध बना सकते हैं और उसमें बेबी कंसीव नहीं होगा, यानी प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन जो आप लोग यूज करते हैं, जिसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहा जाता है, जिसे अनवांटेड 72 के नाम से लोग जानते हैं, इसका लोग सही इस्तेमाल नहीं करते, इसका मिसयूज होता है। मिसयूज यूं समझिए कि ये इमरजेंसी के समय पे देने की है, यानी कभी ऐसा समय आए जब इसकी ज़रूरत है, जब हमें लगता है कि हमने अनसेफ डे में कांटेक्ट किया है, यानी ऐसा समय में हमारा फिजिकल कांटेक्ट हुआ है बिना कॉन्डम के कि जिसमें प्रेगनेंसी हो सकती है, तो इस टैबलेट को लिया जाता है। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे इस टैबलेट को आप यूज करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है, बिकॉज इसको लेने से ही उस महीने का जो पीरियड है वो या तो एक हफ्ता बढ़ सकता है या हो सकता है एक हफ्ता पहले ही पीरियड हो जाए। दूसरा, थोड़ा सा ब्लीडिंग में भी फर्क हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो ये सारे चेंजेस आ जाते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है कि जो आपकी पीरियड की जो लेंथ होती है, यानी मान लीजिए किसी में 22 दिन का पीरियड होता है, किसी में 28 दिन का पीरियड होता है, किसी में 30-35 दिन का पीरियड होता है, तो वो फिक्स नहीं रहेगा। फिर जब वो फिक्स नहीं रहेगा, यानी आगे पीछे होता रहेगा, एक एक हफ्ते, दो दो हफ्ते का, डेढ़ डेढ़ हफ्ते का उसमें डिफरेंस आ जाएगा, तो फिर आपके लिए भी ये कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा कि ओवुलेशन का दिन कौन सा होता है, यानी जिस दिन ओवरी से एग रिलीज होकर गर्भाशय में पहुंचता है तो वो दिन कौन सा होता है और किस दिन आपको कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए परफेक्ट डेज है, तो ये फिर कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसमें जो मंथ है वो फिक्स नहीं रहेगा। तो इसलिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तभी लें जब ज़रूरत हो, अदरवाइज आपके पास दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको आप यूज़ करें, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कॉन्डम का इस्तेमाल करें, या फिर सेफ और अनसेफ डे की जानकारी रखें। ये सबसे अच्छा तरीका है जो नेचुरल है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो किसी चीज़ की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेफ होने के साथ साथ आपको अननेसेसरी जो हार्मोन्स की टैबलेट हैं उसको लेने से भी बचाता है और आपकी हेल्थ को भी ठीक रखता है। वेल, अगर कोई इमरजेंसी तो इसको लेना ही है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपको सेफ और अनसेफ डे की जानकारी होना चाहिए जिससे कि फ्यूचर में आप एक राइट डिसीजन ले पाएं। उन वीडियोस का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से लिंक प्रेस करके वो वीडियोस देख सकते हैं। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करके हमें फीडबैक जरूर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली में शामिल हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।